दातम विभु अन्य न कुछ भी कामना। ज्ञाता 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 हूँ मैं रे हृदय में भावना। जिनवर चरण में वंदिना रुवर चरण में वंदिना। अरियन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो अज्ञायानं नमो लोये सविशानं। मंगलं भगवान् वीरा मंगलं गौतम गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम्। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासिनम। शरणमा श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणाय ते सञ्जयन्ति वरते निर्ग्रन्थिका सञ्जयन्ति वरते अविच्छिन्न रहताय मन्म सर्वज्ञा सञ्जयन्ति। देवादिदेव श्री चंद्र भगवान की अंतिम शासन नाय भगवान महावीर स्वामी की मुनश्वेत भगवान की पद्म पुराण जी के आधार से जो कथा अनंग धरा की क्रमशः चल रही है। अनंग धरा सती ने कैसी मांगलिक साधना करी और उस साधना के फल में उन्होंने शुभ संयोगों को पाया। अशुभ प्रणाम करोगे अशुभ संयोग मिलेंगे, शुभ प्रणाम करोगे शुभ संयोग मिलेंगे और शुद्धमय परिणाम बनाओगे तो शुद्धात्मा चैतन्य परमात्मा उसका योग बनेगा, मुक्ति बनेगी। जगत में अरे ओचो चेतन तेरा परिणाम मूलक है। क्या है बोलो? जगत में अरे ओ चेतन तेरा परिणाम मूलक है, इसे बिगड़ने ना देना यही महा अमोलक है। जगत में अरे ओ चेतन तेरा परिणाम अमोलक है, इसी से मुक्ति पाता है स्वर्ग संपत्ति भी पाता है। मनोजे बब मिला तुझको इसी के फल में पाता है, और बिगड़ जाए तो भाई फिर नरक त्रे अंच में जाता है। अथा श्री गुरु यही कहते तेरा परिणाम मोलक है, जो दुख सुख होता है सो कर्म से कभी होता नहीं भाई। अरे परिणाम बिगड़ने से
ई दुखे सुधरने से सुखो भाई। बंदे मुक्ति सभी मार्ग में एक परिणाम मोलक है। पूरा का पूरा वर्णन बोलो। परिणाम विगाड़न से वो बंद है और परिणाम से मुक्ति है। इधर अपने लिए कुछ चिंती नहीं है। परिणमन भाय का होता ज्ञाता बन को तू, ज्ञाता बन के तू लखना। लिखा नहीं है। परिणमन भाय का होता ज्ञाता बन के तू लखना, उसके खातिर वो आत्मन परिणाम नाई बिगाड़ना। परिणमन परिणमन में ओ तू परिणामों को सामना, निरंतर ज्ञान मात्र मैं हूँ यही वेदन तू करना। आनंद जरेगा तुझको ज्ञाता बहु अमूलक। कितना कुछ हो जाए आत्मा जाना ना रहा है। जो हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता है वह नहीं। जो हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है। अनंग दरार ध्यान रोज ध्यान करती रहती, अब निश्चय धर्म ध्यान भी अनुभूति नहीं हो रही, अनुभूति नहीं हो रही, ऐसा भी खींचता उन्होंने नहीं करी। जब एक आवश्यक में ना रह पाओ घबराओ मत, छह आवश्यकों में रहो। जब आप सदुपयोगी नहीं हो पाओ सो उपयोग में रहो, सूक्ष्म सो उपयोग में नहीं रहो तो सामान्य सो उपयोग क्रियाओं में रहो, असो उपयोगी मत हो। असो उपयोग में भी जाते हो कदाच तो वहां भी ये सोचो कि तीव्र वाला ना हो पाए, मंद में कैसे काम चल जाए। उपवास कर सकते हो बढ़िया बात है, नहीं कर सकते हो फिर कोई बात नहीं, भोजन करो। भोजन में भी देखो बढ़िया शुद्ध भोजन कैसे मिल रहा, अशुद्ध ना मिल पाए, उसमें भी कितनी शुद्धि रख सकते हो। जो हो सकता है वह करो, नहीं हो सकता है उसमें मत सोचो। ये कर सकते हैं ना। इस काल में क्या हो सकता है कि आत्मा हाथ नहीं उठ रहा तो ज्ञाता रह सकते हो, कि याद नहीं रह पर क्या जानन हार रह सकते, जानन हार जानन हार जानन हार, इस पर धुन लगा सकते हो। ओम नमः ओम नमः नमो कर मन नहीं बोल पा रहे, पूरा ओम नमः तो बोल सकते, कई ओम ही नहीं नमः नहीं बोल पा रहे तो ओम ओम बोलो। कि चिंतन करो, जो जो नहीं हो रहा है उसमें मत लगाओ भी, जो हो रहा है वो करो। अनंग धरा नहीं तो किया है और क्या किया, उपवास किया, वेला किया, तेला किया, जो करा वो करा। ये नहीं अपन जैसे वहाँ अब चौका नहीं है, वो फला नहीं है, वो ऐसा नहीं है, अब वो झरना कैसा है और झरना को पानी कैसे होता है, अब क्या होता है। मानो जो है ना, हमने अपने परमात्मा से तो कुछ कर नहीं रहे। तुम झरना का पानी पियोगे, छन्ना पानी लेकर के छन्ना लेकर के तुम प्रमाद ही होगे, तुम्हें पाप लगेगा। अमन के पास भी क्या करने की, जो जैसा मिले बक्कल वस्त्र वैसे उन्होंने धारण करे और रही जंगल में अपनी साधना, अपने शील और संयम की साधना कर। जीव प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव अपने परिणाम बदल करके जब सुखी होना चाहे तब हो जाए, और परिणाम ना बदले तो कितनी अनुकूलताएं बनी रहे तो भी वह सुखी नहीं हो सकता। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में ही तेरे पास प्रसन्न रहने के पूरे साधन है। नरक में भी आनंद से रहा जा सकता है और स्वर्ग में भी तड़पते हुए रहा जा सकता है। बाहर नारक कृत दुख हो गए और अंतर सुकृत घटाघटी। साधना के फल में निश्चय साधना नहीं हो पाई, देवी की पर्याय मिल गई।
पुत्री देवण वेकी हुई है। चारों तरफ आनंद थे और कल विशल्या के भव के अंतर्गत कोई पद लिख नहीं पाए। अयोध्या नगर में मरी फैल गई थी, यहां तक आ गई थी कथा। हाँ, मरी फैल गई है, पूरा क्षेत्र पीड़ित है, लेकिन दौण वेग आनंद में, क्योंकि विशल्या का स्नान का जल जो काम कर रहा है पूरे वहां, तो उनके घर में भी वे जल से ही करते होंगे। कि वह घर में साक्षात बैठ गए तो जरूरत खाएगी जल की, वहां तो फिर वैसे ही नहीं कर रहे थे। रो यहां चिदानंद में तो रागादि प्रवेश करते ही नहीं है, पर जिस परिणति में रोग फैलता है, चिदानंद का अमृत रस स्नान करा के अतिंद्री उसमें डाल दो, ना राग आएगा, ना द्वेष आएगा, ना मोह आएगा, ना संकल्प आएंगे, ना विकल्प आएंगे, कछु नहीं हो। पूरे देश में रोग है, वो दौड़ वेग के राज्य में रोग नहीं है, पूरे क्षेत्र में रोग होगा, भगवान आत्मा के क्षेत्र में राग आदि नहीं होगा। जरिनानंदिका तेंद्री झरता अरे रागादि कहाँ से हो, जब रागादि नहीं होए तो रोगादि भी कहाँ से हो। राग ही रोग को लाता है और राग ही रोग है, रोग कोई अलग नहीं, उपाधि से आदि आदि होती और आदि से व्याधि होती, शास्त्रीय शब्द है प्रमोद जी, आदि व्याधि उपाधि से रहे समाधि होती, उपाधि से आदि होती है। उपाधि मतलब किनी किसी को अपने किसी को अपना मान लिया, किसी का विकल्प कर लिया, किसी का वो रख ले, जे मेरा जे भगे जे घर जे परिवार जे को जाए मोह कन्या है, जाए मोह धन है, जाए वो जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी जो कुछ भी है, बाहर उपाधियाँ बड़ी बड़ी लेते हैं उनकी तो क्या कहला, जितनी बड़ी उपाधि आपके पास में होगी उतनी बड़ी टेंशन आपके पास में, बहुत बड़ा राजा होगा बना दो अव्यल। अव्यल जी बढ़िए भाई, अच्छे से स्वाध्याय सुन रहा है भाई सब बैठे, इनसे कह दो को तुम्हें अध्यक्ष बन के बैठना है इस सभा का, अब बस उपाधि मिल गई, अब प्रवचन नहीं सुन पाओगे, क्योंकि अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष के बाद में आपको 2 मिनट बोलना है भाई साहब। अब 2 मिनट बोलना है, अरे भैया आप बोल नहीं पागे बोल, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं भाई साहब, आपको तो 2 मिनट बोलना है, कुछ भी बोलना है आपको तो, बस इतना बोलना है। अध्यक्ष भाषण तो होता है साहब, वो कछु कोई बना दे अध्यक्ष तो वैसे ही बना देते, लोगों को कछु नहीं जा रहा, आ ही नहीं जा रहे, तो बेने बना के बैठते बेचारे भी वही सोचते रहते कि 2 मिनट मौका बोलना है, 1 मिनट में मौका कहना है, तो मतलब वो 1 घंटा जो कुछ भाषण और स्वाध्याय जो सब कुछ चल रहा है उसमें वो उपाधि में निकाला। लोग तो कह रहा अध्यक्ष जी बैठे, अध्यक्ष जी बैठे, वो बे न जाने का। उपाधि प्राय आदि को लाती, अर्थात आपने कोई भी उपाधि लाद ली, यानी कोई भी कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व की बुद्धि पर के प्रति लादना ही एक उपाधि लादना है, उससे होती है आदि। आदि का अर्थ होता है जैसे भाई साहब मानसिक रूप, और जब ये आदियां आती हैं ना तो फिर होती है शारीरिक व्याधि व्याधि। इसीलिए आनंद से रहने वाले जीव, आनंद से जीने वाले जीव समाधि में रहते, आदि ना तो वे किसी परमाणु मात्र को अपना मानते हैं, ना उसका कर्ता भोक्ता बनते हैं, और इसीलिए सहज रहते हैं। करते समय कौनो हम इनके बे हैं, हम बाका हैं, हम जे हैं, 6 खंड की उपाधि में अभी आदि नहीं हो पा रही, बताओ का करे, माने मजा कर आनंद कर रहे। और तुमने एक गरगुला बना ला भाई, में इतनी बड़ी हो, गरम आओ गरम आओ गरम आओ, 6 खंड के राज में माने मैं आनंद कर रहा, इतनी रानियां हो, इतने बच्चे हो, इतना वो, और तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, उनकी शादी कैसे होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, और भाव उनके कितने होंगे बोलो, 22 हजार, चारों तरफ व्याधियां फैली हुई थी।
दौड़वे का राज्य सुरक्षित था। व्याधि फैलने का कारण था, कल मैंने आपसे कहा था, वैसा व्यापारी लेकर के जा रहा था, पैर टूट गया, वहीं छोड़ के चला गया। भैया ये संसार ऐसा ही है, पैर टूट जाओगे वहीं छूट जाओगे, जब तक पैर चल रहा है तब तक चला रहे हैं सब, छोड़ के चला गया। चलो कोई बात नहीं, मालिक पे तो विकल्प नहीं है, क्या करे बेचारा, कैसे ले, मक्खियां लग रही हैं, तड़फरा रहा है, भूखे मारे किसी ने पानी भोजन तो दिया नहीं, पत्थर उड़ दिए। मंदता के बल में भी अंतर जाति का देव हुआ, और जिनने पत्थर मारा पूरे देश में क्रोधित होकर के, क्रोध में जीव अंधा हो जाता है, मान में बहरा हो जाता है, मान में सुनाई नहीं देता उसको, और क्रोध में अंधा हो जाता है, कहीं दिखाई नहीं। कुरुक्षेत्र में बहन मरी थी और दौड़वेग का राज्य सुरक्षित था, पूरा क्षेत्र में मरी हो सकती है, चैतन्य भगवान ज्ञानानंदमयी परमात्मा असुरक्षित है। सुरक्षित द्रव्य है आत्म, सुरक्षित ही सदा रहना, चिदानंद ज्ञात वन करी तुम सहजानंद में रहना। दौड़ मेरे का राज पूरा सुरक्षित राज्य था, वह कोई असुरक्षा नहीं। मामा आप किससे सुरक्षित हो, आप क्या कारण है कि मेरी बेटी का जल है, वो बेटी के जल हमें भी दिलवाओ ना, तब जाकर के पूरा राज अयोध्या का क्षेत्र मरी से बच गया था। जब अयोध्या का क्षेत्र मरी से बचा है तब काय से बच गया कि विसल्या के स्नान के जल से, ज्ञानमृत का पान करो, सर्व कसाय अभाव करो अमृत का तुम पानी करो। भरत को आश्चर्य हुआ है, भरत ने जाकर के पूछा है विसल्या कौन थी और क्या ऐसी विशेषता है, तब मुनिराज ने अनंग सरा की पूरी कथा उस प्रसंग में सुनाई और भरत से कहा गया कैसा ऐसा हुआ है, और भाई लक्ष्मण हुए और लक्ष्मण विसल्या का वर्णन करेगा। बस विरक्त भाव से राज्य में आ जाते हैं, अयोध्या के ऊपर एक बार एक विद्याधर का जाना हुआ और किसी ने युद्ध में उसको शक्ति लगा दी थी, अयोध्या के क्षेत्र में गिरा, भरत जी ने लाकर वही स्नान का जल उसमें लगाया, उसकी शक्ति निकल गई। भक्ति से प्राप्त शक्ति ऐसी होती है कि स्वयं की शक्ति को वो तो निकलती है व्याधियां और दूसरे की भी व्याधि दूर हो जाती है उससे, ऐसी भक्ति की शक्ति का अतिशय होता है। स्वयं को तो कोई व्याधि आती नहीं है, लेकिन भक्ति की शक्ति ऐसी होती है कि भक्त जहां रहता है वहां दूसरों की व्याधियां भी दूर हो जाया करती हैं। अनंग धारा ऐसी भक्त थी, जिन्हें पूर्व में अवयदान दिया था, आज वो साधना करी थी, अवयदान अजगर को दिया थे प्रसिद्धि है, लेकिन अवयदान अपने को दिया ये लोग कम जानते, पहले अवयदान अपने को दिया था, और अपने को ये अवयदान ना दे पाती तो फिर वहीं भयभीत होकर के देह छूट जाती। पहले अपने को अवयदान दिया था, जो अपने को अवयदान ज्ञान दान देता है वही दूसरे को ज्ञान दान देने में निमित्त होता है, जो अपने को अवयदान देगा प्रत्येक प्रसंग में प्रसंग और आनंद में रहेगा वही दूसरों को निर्भय और आनंद में रख सकेगा। जब तुम ही आनंद में नहीं हो, दुखी हो, तो फिर दूसरों को क्या अवयदान दोगे, हमको डर रहे हैं,
अरे क्या है, डरे मती डरे मती, और हम खुद डरते जा रहे, बताओ कैसे कैसे क्या कह के भाभी डर कैसे रख पाएंगे, मुझे डर सा लग रहा है। फिर वो कहे मुझे भी, अरे तुम क्यों डरते हो, हमें ना तुम्हारे साथ में, अब जब तुम खुद ही डरा रहे हो तो तुम अभी क्या अवैध पाओगे। सती ने अपने को अवैधान दिया था, अर्थात रोएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, प्रणाम नहीं बिगाड़ेंगे, ये अपने लिए अवैधान है। जो समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिकली बात है, अपने लिए अवैधान मतलब प्रत्येक प्रसंग में अपने को असंग रखेंगे, भयभीत नहीं रहेंगे, किसी का साय भाव में अटकेंगे नहीं, कोई घबराहट नहीं करेंगे, कोई पर्याय विशेष का विचार नहीं करेंगे, ये अपने लिए अवैधान है। वो ये तत्व ज्ञान से आता है, जब अपनी आत्मा की करुणा पहचानोगे तब जीव मात्र की करुणा समझ में आएगा। अपने आत्मा को तो अपन निरंतर व्यभीत करते रहे, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष उनमें फंसा रहे, अब दूसरे पर तुम अवैधान क्या कर पाओ। तो अवैधान के फल में उस भक्ति की शक्ति से दूसरों की शक्तियां निकल जाएगा। प्रसंग चूंकि पद्म पुराण का है, तो रावण ने लक्ष्मण युद्ध, रावण लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है, और रावण के ने लक्ष्मण को शक्ति लगा दी थी। आपको पता है ना, ये अपने यहां पर शक्ति तो लगी है लक्ष्मण को, लखन को शक्ति लग गई थी, रामी अति पीड़ित थे भाई। रावण ने सब प्रयोग किया लक्ष्मण के साथ में, लेकिन आखिर जब नारायण के ऊपर कुछ बस नहीं चला था, तो उसने अमोघ विजया नाम की शक्ति, जो कि कैलाश गिरी पर परमात्मा की भक्तियां करते हुए इतना मगन हो गया था, इतना मगन हो गया था, अलंकारिक भाषा में तो ऐसा कहते हैं कि वीणा बजाते समय, अलंकारिक भाषा ही समझो, वीणा बजाते समय वीणा का तार टूट गया, तो रावण ने अपनी नस निकाल के लगा ली, नस निकाल के लगा लिया, अर्थ क्या कि रावण ने अपना पूरा सब कुछ लगाकर खूब मंगल में भक्ति कर रहा और खूब मगन था। धर्णेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ है कि तुम इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो, मोरा मुझे बहुत अच्छा लगा, भक्तियों से कई देव प्रसन्न हो जाया करते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, तुम शुष्क भक्ति करते रहोगे, सूनी सी पड़ पड़ के जैसी आ जाओगे, खूब कभी अरे भाई इस भूमिका में हूँ, उस भूमिका के अनुसार ही अगर व्यवहार में प्रसन्नता नहीं रखोगे तो खिन्नता हो जाएगी। परमार्थ प्रसन्नता की चैतन्य रमणता रूप प्रसन्नता इस भूमिका में उतनी नहीं रह पाती है। तो कभी भक्ति करो, कभी स्वाध्याय करो, दान दो, साधर्मियों के साथ प्रसन्न रहो, जैसा उपयोग हो वैसा करो, इतना चारों विवेक से बरतो, इतना चारों विवेक से बरते हुए अब तुम्हारा मन हो रहा था अरे आज बजा लो, ये बजा लो, ये कर लो, नहीं तो और कछु बजवे को भाव आएगा, दिमाग में और कछु बजन लगे हो, प्रसन्न रहो, इतने प्रसन्न रहो भगवान की भक्ति करते हुए कि लोग कहें वाह ये क्या है, ये कैसे मगन हो। तो रावण खूब प्रसन्न हुआ और देव का आसन ढोल उठा, कौन से देव का, धर्णेन्द्र का, और आया है और उसने आ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, भक्ति के फल में भक्ति चाहिए, कि ना भैया तुमको कुछ लेना पड़ेगा, कि नहीं भैया मैं लेवे के लिए भक्ति कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने कई बार सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्राप्त की है विद्या, मैंने इस समय निष्प्रयोग का जिनेन्द्र परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ और इसी के फल में तो हम तुम्हें देना चाहते हैं। तब धर्णेन्द्र ने उनको अमोघ विजया नाम की शक्ति दी थी, किसको, रावण के लिए, दशानन की, तो ना चादी से आज बाप से ले लिया था, जैसे मूरख ने भक्ति की शक्ति भक्त के ऊपर प्रयोग किया था, मूर्खाई क्या करी थी उसने, उस भक्ति की शक्ति को उसको रक्षा के लिए प्रयोग करना था, लेकिन भक्ति की शक्ति को महाभक्त के ऊपर प्रयोग करेगा तो चलने वाली नहीं है, और तूने तेरा पुण्य छीन कर लिया रावण। भक्त थे लक्ष्मण,
पुण्यशाली थे लक्ष्मण राम, उनके सामने तुम्हारी शक्तियां चलेंगी धर्मेंद्र की, पर कछु नहीं चलने वाला, सब योग बन जाएगा, तेरी शक्ति विफल हो जाएगी, लेकिन भक्तों की शक्तियां विफल होने वाली नहीं है। कोई कितनी शक्ति लगाते रहे, भक्ति की शक्ति के सामने सब शक्तियां फैल, भक्ति की शक्ति के आगे सब शक्तियां फैल हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति अंदर वाले भक्ति की शक्ति, चैतन्य को ध्याने वाले भक्ति की शक्ति, तो क्या कहें, व्यवहार भक्ति में वर्तती उनकी शक्तियां अलग ही होती। शक्ति लग गई थी, राम जी को बड़ा दुख हो रहा था। भाई विद्याधर आया, जो विद्याधर जिसको शक्ति लगी थी वह अयोध्या के उद्यान में गिरा था, तो भरत जी ने उसकी सेवा के लिए विसल्या का जल लगाया था और उसकी शक्ति दूर हो गई थी। मैं उसका उपाय बताऊंगा। चाय तो यही रही थी, सुबह तो होने जा रही थी, इसका उपाय विसल्या है, और विसल्या का स्नान का जल अयोध्या में है। कौन जाए? हनुमान जी बोले हम जाएंगे। अभी पहुंचते हैं तो हनुमान वामंडल आदि तीन चार विद्याधर थे, हनुमान जी मुख चले गए, पहुंचे हैं जाकर के। जैसे ही भरत को समाचार दिए, वो भरत युद्ध का नाम सुनते ही बेग बजा दिया, अरे ये बजावे की जरूरत नहीं है, तबे अयोध्या से बहुत दूर है लंका, अभी तो तुम मात्र दोण बेग की पुत्री के स्नान का जल ले आओ तो लक्ष्मण की शक्ति निकल जाएगी। अरे कुछ नहीं तो जल ही ले आओ, ये भगवान के व्यवहार की भावना ही ले आओ तो सारी राग देश खत्म हो जाएंगे। परमार्थ भगवान के परमार्थ मार के व्यवहार रूप भावनाएं भी आ जाए तो भी ये खत्म हो जाएंगे। अगर परमार्थ आ जाए तो का कहने लगे, स्वाध्याय में लग जाओ, पूजा में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, तो भी ये राग की शक्तियां निकल के भग जाएंगे। और अगर परमार्थ ही आ जाए, विसल्य ही आ जाए, तो फिर तो का पूछ दे। लेकिन विसल्या का जल भी आ गया, शुद्धोपयोग आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अरे शुद्धोपयोग उपयोगियों की भक्ति भी आ जाए तो भी ये फालतू की राग विकल्प तो खत्म होते जाए। क्या किया भाई? भरत बोलते हैं, क्या बात करते हो, विसल्या के स्नान का जल? अरे विसल्या ही ले जाओ, क्योंकि विसल्या लक्ष्मण के लिए ही है, ऐसा मुनिराज ने कहा उसका योग। अरे तू एक एक समय के आनंद के लिए और एक एक समय की विशुद्धि के लिए क्यों चतरस्ता है? पूरा त्रिकाल ही ले ले, ज्ञाता वाव, क्योंकि वो तेरे लिए ही है, ऐसा भगवान ने कहा है देवादि देव ने। तू एक एक समय के वा के लिए ऐसे परिणाम मेरे हो जा तो ऐसे वे मेरे परिणाम हो जाते, हम तो ऐसे है। अरे मूर्ख जो नहीं है उसका विचार करता है, राग तू नहीं है उसका विचार करता है, इतना क्यों ना ध्रुव चिंत्यति, इस शरीर कर्म राग आदि का बहुत विचार करता है, जिस पर भगवान का विचार नहीं करता। तू एक समय की उसके लिए क्यों तरसता है? तो काली ध्रुव तेरे लिए ही है। समझ में आ गया भैया? नहीं सिद्धांत समझ में आ गया कि विसल्या के जल की बात क्या करें, तो विसल्या ही ले जाओ। एक समय के सम्यक की बात क्या कहें भैया जी, सम्यक दर्शन होगा? अरे सम्यक दर्शन की खान ले लो तुम तो, इस समय सार तो खान दे रहा है, व्यवहार भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे पूरा परमार्थ का दाता ले लो तुम, तुम्हारे लिए ही है। एकमात्र चिदानंद, चिदानंद पर तेरा ही अधिकार है, केवल ज्ञान पर तेरा अधिकार है, केवल दर्शन पर तेरा अधिकार है, केवल सुख पर केवल सुख पर तेरा अधिकार है, दुख पे अधिकार नहीं। क्या समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? केवल सुख पे अधिकार है, अनंत सुख पे अधिकार है, अनंत दुख पे अधिकार नहीं है। अनंत दुखी होने के लिए तो तुम्हें दूसरे लोग चाहिए तब दुखी हो पाओ, अनंत दुखी होने के लिए तो अनंत ब्राधना चाहिए, तब निगोद में जाओगे तब अनंत दुखी होगे। और अनंत के अंत रहित आराधना चाहिए, अरे आत्मा को देख देख के आनंद में रहो तो अनंत सुखी हो जाओ।
दौड़ वे को सूचना करी तो उनने भी संकनाद बजा दिए कि संकनाद बजा भी जरूरत रही है, तुम तो विसल्या को दे दो गई, विसल्या विसल्या तो लक्ष्मण के लिए ही है, ले जाओ मेरी बेटी। तब हजारों कन्याओं विद्याधर कन्याओं के साथ में विमान में बैठा करके, और हनुमान जी कौन को लेके गए, जल नहीं लेके गए, विसल्या ही ले गए, पूरा पर्वत ही ले गए। अरे यही समझो, एक बूटी बूटी कचू नहीं लाए, पूरी पर्वत ले आए के जे का ले आए के जब पर्वत ही उठा लाए, मतलब तो पूरी विसल्या ही लिया। अब इतने कल्पना क्या कर रही है कि बूटी नहीं लाए पर्वत ले आए, मतलब जल नहीं लाए पूरी विसल्या ही ले आए, पूरा ही पर्वत ले आए, लियो जो कथा चाहिए सो होती वो विसल्या आई है। हजारों और चारों तरह खुशियां कि हनुमान जी आ रहे, हनुमान जी आ रहे, मैं तो पूरा वर्णन किया मैंने राम रामायण में जब चलाई थी, अभी तो प्रसंग विसल्या पूरा करना है। तो दूर से दिखाई दिया है कि आ रहे है, कि कटोरा दिख रहा है कि नहीं चल, अरे वो तो विमान दिख रहा है, वहां में तो कोई है, नारियां है, वो इतना है ये, अरे आकर निकट देखा कि अरे ये तो विसल्या ही ले आए, खुशी से ना चुटे। अब तो पूरा ज्ञायक ही आ गया, पूरा समयसार ही आ गया, पूरा ध्रुव ही आ गया, पूरा चैतन्य ही आ गया, जब भगवान मिल गया, जब पूरा देव हरे हो गया, कहा जलन के लिए विकाल में करना, क्या जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विसल्या तो आ गई। अरे अब का विसल्या लेके चले आ जा, नहीं जल ले आते हैं, भगवान की पूजा को फल मोक्ष मिल जाता, जी जो कह रहे हैं का हो रहा मोक्ष से जा नहीं जे बताए माओ, लड़का की तबीयत सही हो जाते कि नहीं हो जाएगी, जा में जो ग्रह चल रहा वो चलो जाएगा कि नहीं चलो जाएगा, यह सब कछु बताते तब तो अपने मजा आते हैं। अरे भाई जब पूरा अब जल अब विसल्या लिया, अरे विसल्या लिया उपेक्षा मत करो विसल्या की, विसल्या का जल विसल्या आ गई, अब जल की जरूरत। काली भा गया तुझको नहीं सम्यक्त की जरूरत, त्रिकाली स्वा गया तुझको अब मुक्ति की नहीं जरूरत, तुझको आएगी मुक्ति भी स्वयं, तू निश्चिंत हो जा अभी सुख कर। इसल्या का ज्यो ज्यो लक्ष्मण पड़े है, राम जी की आंखों में आंसू हैं, जो ही स्थान पर मंडप में क्षेत्र में विसल्या के कदम रखे भाई, ज्यो ज्यो कदम बढ़ रहे हैं त्यों त्यों विसल्या का कदम बढ़े हैं, और लक्ष्मण को होश आ रहा है, जो उसकी हवा और उसका कदम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, लक्ष्मण के। ऐसे ही ज्यों ज्यों ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, त्यों त्यों राग की शक्ति निकलने लगती है। जो राग की शक्ति ने तुम्हें मूर्छित कर रखा है, जो मोह की शक्ति ने तुम्हें मूर्छित कर रहा है, चिदानंद की लगनी से वो स्वयं निकल के भागने लगती, निकलने की तैयारी कर लेती है। वो ज्यों ही कदम रखा हुआ है विसल्या का, जो जिनेश्वर देवाय नमा शुद्ध चिद्रूपाय नमा से हिलने लगती है, मोह की राग की द्वेष की सारी शक्तियां निकल के भागने लगती। ये विसल्या आई है, अरे वेद विज्ञान शक्तिया बोलो याद है, वेद विज्ञान शक्ति के द्वारा जो चिदानंद ज्ञायक भगवान की आत्मा में महिमा में लीन होता है, उसको नियम से शुद्धोपयोग आत्मा की प्राप्ति होती है, और रागादि भाव विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा भगवान ने समय सार में लिखा, निज महिम रताना अपनी आत्मा की महिमा में रथ है, डूबा है, उसके अलावा दूसरे की महिमा कोई आते ही नहीं है। किसके द्वारा, वेद विज्ञान सत्या, जो वेद विज्ञान शक्ति के द्वारा, वेद विज्ञान वो शक्ति है, ज्ञानी जन कहते हैं
अरे रावण के द्वारा लगाई हुई शक्ति विशल्या के आते दूर हो गई, परंतु कोई दूसरी विशल्या नावे की जरूरत नहीं है। मोहिने अनादि से शक्ति दी है तुझे और चैतन्य को लिया, निकल जाएगी, भाग जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? विशल्या के द्वारा वो शक्ति दूर हुई। विशल्या मतलब शल्य से रहित। ऐसे ही जो शल्य रहित चिदानंद भगवान है, उसकी अंतर में महिमा ला, ये सारी शक्तियां राग की, देश की, मोह की, सारी निकलती हुई नजर आ। ज्यो ज्यो शल्य रहित होकर के अपने चैतन्य को भाता है, त्यों त्यों राग देश वो खा चले गए, पता ही नहीं चलता। भगवान तत्व ज्ञान तरंगणी में कहते, तो राग था, इतनो द्वेष था, इतनो मोह था, इतने विकल्प थे, इतने कर्मन को उदय था, चिद्रूप का ध्यान करते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसा लगा तत्व ज्ञान, पता नहीं इतनी कारबार बरगना, इतो राग है, तो दर्द हो रहा। तो कल ही कोई साधु बोले के भैया, इतो दर्द हो रहा, तो इतनी पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा तो पीड़ा की जगह है, लेकिन जब कोई साधर्मी निकट थे उनने बताया, तुम तो जाना ना रहो, जाना ना रहो, जाना ना रहो, जाना ना रहो, अरे पता नहीं वो कहाँ चली गई वो पीड़ा। वो बनी गहरा और ऐसो लगा अद्भुत 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 अद्भुत। उसी काल में, उस पीड़ा के काल में आनंद जर सकता है आत्मा की भावना। जो कदम विसल्या के रखे हुए हैं, जो जो एक हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य हूं, तो वह शक्ति हिलती है। मोई की जो शक्ति लगा रखी ना, मोई ने तो ये मूर्छित कर रहा है, लक्ष्मण मूर्छित हो देते। हाँ, वो एक खोबर ही नहीं था। ऐसे दिव्य प्रद्रुप को निज मान करके मूर्छित पड़ा, इसको ये पता नहीं मेरा साध्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन क्या चलना है, कैसा होना है, मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ पढ़ाऊँ। बस वो शक्ति लगा दे, वही में पढ़ा हुए लक्ष्मण जी, हो सो कर पढ़े। जहाँ ही विसल्या आई है, त्यों ही भगवंत की भक्ति आती है, चैतन्य की महिमा आती है, वेद विज्ञान आता है, आप निकल के भाग। तो क्या किया विसल्या ने, कदम रखे हैं ऐसे, मैं गया हूँ मुझे ये। तो जैसे निकली, पास में पहुँची हैं और छू नहीं पाई है, ऐसा देख लक्ष्मण के निकट पहुँची, आ तो निकल के भागी। कौन शक्ति निकल के भागी, अब वहाँ का जो शक्ति निकल के भागी है, ऐसा नहीं तो भाग रही थी, हनुमान जी ने पकड़ लिया। अब पूरी अभी लिख के कैसे रहा था नहीं, एकदम पकड़ लिया। अरे तू वार भी आई थी, सो हाथ जोड़ के कहते, अरे महाराज हनुमान जी बहुत बलशाली है, पकड़ लिया उन्हें, पकड़ी। सो देवी आदि हो, तो देवी यहाँ होते शक्तियाँ, मतलब हजारों देव जिनकी सेवा, मारने आई थी, तू मार सकती है नारायण को, कांपने लगी, मुझे क्षमा करो, अब मैं अपने स्थान पर जा रही हूँ, कभी नहीं आगू दरदत्त के निकट जा रही हूँ। ए रावण ने भक्ति करी थी, उनने मुझे दी थी, मेरी काम था, सो मैंने करने की तैयारी की थी, एक विसल्या के सामने मैं नहीं टिक पाती हूँ, नहीं मार के निकालती हूँ, एक जो विसल्या के साथ मेरी दुश्मनी है, जाके सामने मैं खड़ी नहीं रह पाती, चैतन्य के सामने मैं नहीं खड़ा हो पाता हूँ, मोह नहीं कि तो पटक देता हूँ, नगद में न रखने गोद में ले जा मार के निकालता हूँ। बस चैतन्य ना आ जाए, भगवान ना आ जाए, गायक ना आ जाए, ये ना आ जाए, नहीं तो इस जीव को पटक देता हूँ। तू मारने आया था, और निकल जाती है, लक्ष्मण के निकट पहुँचते हैं, और लक्ष्मण के जैसा आ देखा तो होश में आ गए, होश में आए, और चारों होते कहाँ है रावण, कहाँ है रावण, लक्ष्मी भूल गए थे कि बेटा रावण वावण सारा न कोई नहीं है। यहाँ देखा, भैया 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 क्या हो गया, राम ने पूरी कथा सुनाई है वहाँ पर। उसके बाद में विवाह हुआ विसल्या के साथ में, हजारों कन्याओं के साथ में, रावण ने शक्ति लगाई थी और उन्हें विसल्या मिली। लो करोगे का है? रावण के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी दुखकार, विसल्या के आते ही शक्ति दूरी हुई सुखकार। और फिर तो सानन पर विजयी हुए, और विसल्या के निकट आते ही लक्ष्मण की शक्ति तो दूर हुई, और जितने भी थे
उन सबको विसल्या ने अपने हाथों से जल ले ले करके सबके घाव ठीक कर दिए थे। यहाँ तक कि रामचंद्र जी को इतना स्नेह था कि उनके बंधन में थे कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ। उन तीनों को कहा इनके इनके घाव दूर करो, तो उन पर भी डाला गया, तीनों को स्वस्थ कर दिया। रामचंद्र जी खूब जाते थे, उनके पास बात करते थे, उनकी भोजन की व्यवस्था कराते थे, जे नहीं और पूछते थे और अच्छे से वो रखते थे। और रावण के उसमें जाकर के कोई घाव पड़ा हो तो उसका घाव सही कर देते थे। ये था उनका, हाँ ये दरवाजा का कुछ अलग ही होता है ना, ये जाकर के सेवा करते उधर जा करके। अरे दुश्मनी हमारी रो रावण से भी कहा है, बाद में दशानंद पर बिजाई हुई है, और दशानंद में बिजाई होने के बाद में विसल्या को पटरानी पद पर आसीन हुआ। ये आठ पटरानियों मुख्य पटरानी थी, पटरानी बनी उन्हीं की कर्म का फल दिखाते हैं। धर्म नहीं है फल, ध्यान रखियो। सती अनंग सरा की मंगल, फिर प्रसंगानुसार दशानंद का और लक्ष्मण का वियोग बना है पूरी कथा में। और जब ये पता चला विसल्या आदि रानियों को, तो विसल्या तो बैरागी थी, सुनते ही भले राम जी दुखी हो रहे थे, सब हो रहे थे, और चल दिया था जंगल की ओर। अंत में सब वैभव तजो पदयारी का धारा, कौन हो गई थी हारिका, पंचम गुणस्थान ज्ञाता की महिमा, अब नहीं थी वो सल्ले, चैतन्य की लीनता आदो साधना आराधना। और रासम के ते सहे ते पावन तपसो, हारिका पद में, और हारिका माता जी विसल्या जी की यह हो। और सम्यक दर्शन सहे सलेख न करके देव पद पाया, कहाँ गई देव प्रयाग में गई है, वहां से आ एक भव पा कर वे मुक्ति पाते दिखाते हैं। सती अनंग सरा की मंगल कथा सुनाते हैं, मास्या की भव धारण करेंगी मनुष्य का, और फिर मुक्ति की प्राप्ति करेंगी। ये आचार्य भगवान कहते हैं, अब वो बाबा भी आया है नहीं आया, ये प्राण का नहीं है, प्राण में इतना ही दिया है बस। ऐसी साधना के द्वारा प्रत्येक प्रसंग में जीव आत्मा आराधना करता हुआ कैसे प्रसन्न रह सकता है। सती अनंग सरा की व्यवहार और प्रमाण साधना के माध्यम से पन्न सुना, ऐसा ही जीवन अपना हो इसी भावना के साथ। सती अनंग धरा की मंगल कथा सुनो जी, मंगल जैन पुरा जी, नी दी नी जी।